हाँ भाई, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जी भाई। पहले ये बताओ, कौन से फिर कैसे हो भाई? मतलब समझा नहीं। अरे मियाँ, सुन्नी हो, वहाबी हो, 24 नंबरी हो, अहले हदीस हो, कौन हो भाई? नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है क्या? अरे भाई बातें मत मलका, जल्दी बता कौन से फिर कैसे है तू? जब ही नमाज पढ़ने देंगे हम तुझे। भाई मैं एक अल्लाह पे ईमान रखने वाला हूँ और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। क्या इतना नमाज पढ़ने के लिए काफी नहीं है मेरे लिए? और मेरे भाई, क्या आप बता सकते हैं हमारे नबी कौन से फिर कैसे ताल्लुक रखते थे? मेरे भाई शायद आप भूल गए हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वआतासिमु हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु। ए ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को कसके से पकड़ो और फिरकों में ना बटो। और यही वजह है मेरे भाई, आज हम फिरकों में बट गए हैं और दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिए और आज आपने हमारी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं भाई। अरे यार, लेट हो गया नमाज के लिए। चाबी कहाँ गई? यहाँ पर तो गाड़ी भी नहीं है, लगता है चोरी हो गई। अब नमाज पढ़ने कैसे जाऊँ? भाईजान, मुझे मस्जिद तक छोड़ दोगे? जी जरूर, बैठिए।